नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि द्वितीया और शुक्रवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज सुबह 8 बजे तक रहेगी। आज देर रात 2:28 तक वैद्यत योग रहेगा। आज साथ ही आज देर रात 3:10 तक पुष्य नक्षत्र भी रहेगा। इसके अलावा आज रात 8:52 से शुरू होकर कल की सुबह 9:44 तक पृथ्वी लोक की अशुभ भद्रा रहेगी। आगे हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 30 दिसंबर की सुबह 7:13 से सुबह 9:44 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 3 जनवरी की दोपहर 2:46 से अगली सुबह 7:12 तक रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को कुछ प्रपोज करना चाहते हैं तो आज उसके लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 8:55 से दोपहर 1:30 तक, और एक बार फिर दोपहर बाद 3:05 से रात 9:18 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 जनवरी की सुबह 9:56 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:25 से दोपहर पहले 11:35 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:25 से दोपहर पहले 11:35 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 1 जनवरी की सुबह 9:56 से दोपहर 2:23 तक, और एक बार फिर शाम 4:19 से रात 11:11 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 जनवरी की दोपहर 2:46 से शाम 4:11 तक, और एक बार फिर शाम 6:26 से रात 11:03 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:25 से दोपहर 1 बजे तक, और एक बार फिर दोपहर 2:35 से रात 8:48 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर पहले 11:45 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर पहले 11:05 से दोपहर 12:22 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:17 से दोपहर 12:40 तक। चंडीगढ़ दोपहर पहले 11:08 से दोपहर 12:24 तक। लखनऊ सुबह 10:49 से दोपहर 12:07 तक। भोपाल दोपहर पहले 11:01 से दोपहर 12:22 तक। कोलकाता सुबह 10:17 से दोपहर पहले 11:38 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:20 से दोपहर 12:40 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:45 से दोपहर 12:10 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला
राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहने वाला है। नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक है। आपको काम से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। सही योजना के तहत आप अपने करियर में बदलाव लाने में सफल होंगे। आपका खुशनुमा व्यवहार सबको प्रभावित करेगा। जीवन साथी के साथ डिनर करने का प्रोग्राम बनाएंगे, जिससे रिश्ते में मिठास आएगी। आज आपको सामाजिक स्तर पर लोगों की मदद के लिए मौका मिल सकता है। इस राशि के मीडिया कर्मचारियों को काम करने के बढ़िया मौके मिलने वाले हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। आज परिवार में हर्ष और उल्लास का माहौल बना रहेगा। आज आपके दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बना रहने से खुशियां बढ़ेंगी। आज सेहत के लिहाज से आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए शिक्षकों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। आज आपके काम करने की कला से लोग प्रभावित होंगे। लेखन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आज आपका समय अपनों के साथ अच्छा बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आज काम व पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाए रखेंगे। आज किसी काम को पूरा करने के लिए नए तरीकों पर विचार करेंगे। व्यवसाय कर रहे लोग व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। आज जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलने से आपको खुशी होगी। आज घर के कामों को करने के बाद महिलाएं बच्चों के लिए समय निकालेंगी। आज माता पिता का सहयोग मिलने से आपका मन प्रसन्न होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज व्यापार में रुकी हुई योजनाओं को शुरू करने से आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। नौकरी कर रहे लोगों को आज दिए गए कार्यों को समय पर पूरा कर लेना चाहिए। लवमेट के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे तो एक दूसरे को और अधिक जानने का मौका मिलेगा। आज कला और साहित्य के क्षेत्र में रुझान रहेगा। आज खुद की सेहत पर ध्यान देंगे। आप अपनी होशियारी और प्रभाव का उपयोग घरेलू मुद्दों को हल करने के लिए करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। लवमेट के साथ रिश्ते में सुधार आएगा। आज आपको अपने कार्यों में राजनीतिक रिश्ते का फायदा मिलेगा। आपका काम किसी करीबी दोस्त की सहायता से पूरा हो जाएगा। आप किसी काम को लेकर उत्साहित होंगे। काम आसानी से व समय से पूरा हो जाएगा। छात्र अपना अधिकतर समय इधर उधर व सोशल मीडिया में व्यतीत करेंगे। परिवार के सभी लोग किसी पार्टी में सम्मिलित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाला होगा। विद्यार्थियों को आज सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। आज घर वालों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज प्रोजेक्ट कार्य में आपको अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जो आगे सफलता के लिए मददगार साबित होगा। आज आपके मन में कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं जो वाकई जबरदस्त और सृजनात्मक होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आपको घर के बड़ों से कुछ प्रेरणा मिलेगी। आज जो भी काम आप करेंगे वो सफल होगा। आज आपका स्वास्थ्य पहले से उत्तम रहेगा। कोई रिश्तेदार आज आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई अच्छे सुझाव देगा। बड़े बुजुर्ग आपके व्यवहार से प्रसन्न होंगे। लोग आपकी वाहवाही करेंगे। आज आपको वाहन चलाते समय खास सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज आपके पारिवारिक सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज पूरा दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आप किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से पार्टनरशिप करने पर विचार करेंगे।
आज आपको उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ होने वाला है। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में सुखों की बढ़ोतरी होगी। आज आपकी सेहत में अच्छा सुधार आएगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपका दिन उल्लास से भरा रहेगा। बिजनेस के किसी काम से आपको यात्रा करनी होगी। आपका काम अच्छे से पूरा होगा। आज आप कुछ मौज मस्ती के मूड में भी रहेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ नयापन आ सकता है। इस राशि के बच्चों को उनके शिक्षकों से तारीफ मिलेगी। बड़े बुजुर्ग अपने किसी बचपन के दोस्त से मिल सकते हैं। अपनी पुरानी यादों को लेकर आपस में चर्चा करेंगे। आज आप जरूरतमंद को भोजन देने किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपका दिन नई उमंगों के साथ शुरू होगा। आपको आर्थिक रूप से अपने सगे संबंधियों की मदद मिलेगी। साथ ही लेन देन के मामलों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। करियर में आपको अपने गुरु का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपका कॉन्फिडेंस काम को पूरा करने में मदद करेगा। अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए आप योग की रूटीन अपनाएंगे। साथ ही नकारात्मक चीज़ों से आपको बचे रहना चाहिए। बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज बेवजह की उलझन से दूर होकर आप किसी मंदिर, किसी भी धार्मिक स्थल पर अपना खाली समय बिताएंगे। यात्रा पर भी जाने के योग बन रहे हैं। आज आप अपने खाली समय में अपनी अच्छाइयों और कमियों के बारे में विचार करेंगे। आज आप मित्रों के साथ कुछ समय बिताएंगे। आपकी पुरानी यादें ताजा होंगी। लवमेट से मनपसंद उपहार मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आपके व्यापार में सामान्य रूप से आय बनी रहेगी। नवविवाहित दंपति के बीच आज मीठी नोकझोंक होगी। इससे रिश्तों में और मिठास आएगी। आज पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। नौकरी कर रहे लोगों को आज अपना काम पूरा करने के लिए थोड़ा अधिक मेहनत करने की जरूरत है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा का बेहतर परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी जरूरतमंद को कंबल दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज साथ मिलकर दीप जलाएं, दीपमाला सजाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। मूलांक 2, आज आपको व्यावसायिक संपर्कों को और मजबूत करने का प्रयास करने की जरूरत है। मूलांक 3, आज के दिन आप कुछ नया सीखेंगे, इससे भविष्य में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। मूलांक 4, राजनीति के क्षेत्र में आपकी मजबूत छवि बनेगी। आप ज़्यादा लोगों से जुड़ेंगे। मूलांक 5, आज दूसरों के सामने खुलकर अपनी बात रखेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मूलांक 6, स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, पढ़ाई में ज़्यादा मन लगा रहेगा। मूलांक 7, आज का दिन बेहतर रहेगा। आज कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। मूलांक 8, बनते हुए काम में कोई समस्या आने के कारण आपको दोस्त की मदद लेनी पड़ सकती है, आपका काम बन जाएगा। मूलांक 9, आज संतान पक्ष से आर्थिक मदद मिलेगी, पुरानी आर्थिक परेशानियां कम हो जाएंगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे होटल में रसोई घर की दिशा के बारे में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, खासतौर से होटल में या सब जगह घर में भी, इम्पोर्टेंस रसोई घर की ही होती है, क्योंकि लोग होटल में इसीलिए जाते हैं कि उन्हें अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाने को मिले। इसलिए होटल में रसोई घर का निर्माण करवाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होटल में रसोई घर के निर्माण के लिए आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। आग्नेय कोण का वाहक अग्निदेव को माना जाता है और रसोई के काम में अग्नि महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, इसलिए रसोई के लिए यह सबसे उपयुक्त जगह होती है। रसोई में
चूल्हे के लिए प्लेटफॉर्म दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए, जबकि शेफ अपना मुंह पूर्व दिशा में रखे। इसके अलावा तंदूर या माइक्रोवेव के लिए आग्नेय कोण या पश्चिम दिशा का और या फ्रिज के लिए आग्नेय कोण दक्षिण या पश्चिम दिशा का चुनाव करना ठीक रहता है। वास्तुशास्त्र में यह थी चर्चा होटल में रसोई घर की दिशा के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे, लेकिन आगे चलने के पहले थोड़ा लाभ अनुभव का भी। अब अनुभव क्या और लाभ क्या? अनुभव ये कि आजकल होटलों में फैशन क्या है, बड़ा सा डाइनिंग रूम है और उसके सामने कांच का उन्होंने बना दिया है जिसमें आप देख सकें कि उधर कैसा खाना बन रहा है, ओके। लेकिन जो बहुत बुद्धिमान वास्तुशास्त्री हैं वो ये ध्यान रखते हैं कि थोड़ा सा साउथ वेस्ट, उसको साउथ ईस्ट की तरफ टिल्ट करके रखें। फायर अलार्म्स जितने हैं वो साउथ वॉल या ईस्ट वॉल से जुटा कर रखें, लेकिन ऐसे में कोई व्यक्ति आपकी तरफ पीठ करके खड़ा है, यानी अगर पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाएगा शेफ तो पब्लिक की तरफ पीठ हो जाएगी, ये तो गड़बड़ है, व्हाट विल ही डू। तो बेहतर तरीका ये है, अब देखो फायर के लिए पूर्व दिशा अच्छी है, फायर के लिए साउथ दिशा अच्छी है, लेकिन उत्तर दिशा अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप साउथ के ज़्यादा करीब हैं और उत्तर में आपने डिस्टेंस ढेर सा छोड़ दिया है तो आप उत्तर की तरफ, और पूरब नहीं खड़े हो सकते, पूरब मुंह करने में पीठ आती है, तो आप अगर उत्तर की तरफ मुंह करके अपनी किचन बना लेंगे तो भी शोभद रहेगा। मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूँ, देखिए अभी बड़े बड़े होटलों, इंटरनेशनल होटलों में जाइए, हम तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कई जगहों पर देखते हैं। अब इंटरनेशनल होटल्स में देखिए एक फैशन ये भी है, जैसे आप गए और बीच में उन्होंने तंदूर लगा दिए हैं तमाम, उन पे लोग खड़े हैं, इधर भी तंदूर है, इधर भी तंदूर है, इधर भी तंदूर है, आप जाइए चारों तरफ तंदूर लगे हुए। ऐसे होटलों में खाने का स्वाद बहुत अच्छा नहीं होता, उनको फ्रेश फ्रूट लगाने हैं, इन्होंने इस तरफ एक कोना कर दिया, इट्स ओके। फ्रेश फ्रूट के लिए, केवल फ्रेश फ्रूट के लिए रखना है, आप रसोई के नॉर्थ वेस्ट में जाइए, आप पूरे डाइनिंग इस एरिया के नॉर्थ वेस्ट में कर लीजिए, 5 स्टार है या 7 स्टार है जो बड़े बड़े हैं, आप पूरे, आप खाली आपको फ्रेश फ्रूट रखना है, आप नॉर्थ वेस्ट में कर लीजिए, आप नॉर्थ में कर लीजिए, कर सकते हैं, ईस्ट में कर सकते हैं, लेकिन जहां फायर है, जहां अग्नि इन्वॉल्व है, वो साउथ और ईस्ट में ही रहनी चाहिए, इसको ध्यान रखिए। और शेफ का मुंह सबसे अच्छा, सबसे हेल्दी होता है जब वो पूरब की तरफ मुंह करके बनाता है, लेकिन अगर आपका हॉल ऐसे बना है तो शेफ कस्टमर्स की तरफ पीठ करके नहीं बना सकता, उद्देश्य तो शेफ का किचन दिखाना है ना, शेफ का तवा दिखाना है उद्देश्य आपका, ताकि आप अपनी आंख से देख सकें कि उस तवे पे क्या बन रहा है, वही ब्यूटी है। तो ऐसे में आप साउदर्न एरिया में शेफ का फायर अलार्म रख सकते हैं, जैसे ये पूरा एरिया है, इसमें साउथ ईस्ट ये पड़ता है, ये आपका नॉर्दर्न हिस्सा है, आप नॉर्दर्न हिस्से को लीजिए साथ में, यहाँ वाटर के जितने बॉडीज हैं वो लगा लीजिए, ईस्ट आप फायर को इधर रख लीजिए और इधर रख करके नॉर्थ की तरफ मुंह करके बना लीजिए, अगर आप ईस्ट नहीं कर सकते हैं तो। क्या मैं अपनी बात कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ? इफ सो तो इसको इस तरीके से कीजिए, अपने वास्तु को मॉडर्न डे और आज के वास्तु के मुताबिक, आज के आर्किटेक्चर के मुताबिक, और जो कुछ भी आज इंटरनेशनल वर्ल्ड में फैशन में चल रहा है, जैसे अभी हमने एक बहुत अच्छे 5 स्टार होटल में देखा, इंटरनेशनल होटल था, उसमें जब आप जाइए, बहुत बड़ा हॉल था, मतलब उस हॉल में एक साथ कम से कम 2000 लोग बैठ सकते हैं, इतने हिस्से थे उसमें, तो उसमें जब आप जाइए तो वो सारे ऐसे फायर लगे हुए थे, लेकिन कोई भी आदमी उसके फायर वाले हिस्से का खाना पसंद नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि उन्होंने सेंटर में एक तो बना दिया, वो सेंटर ब्रह्मस्थान हो गया, और दूसरे उसमें नॉर्थ में भी अग्नि रख दी, तो उसको कोई पसंद ही नहीं था, नोबडी वॉल, लोग इधर उधर की चीज़ें ढूंढ ढूंढ कर खा रहे थे। इतने बड़े होटल में हमने 20 लोगों से अगर अप्रोच किया, उनकी प्लेट झांक के देखा, उनसे बात की, तो ऐसा रिजल्ट आया। तो आप भी इसको ध्यान में रखिए, अगर आप होटल बना रहे हैं, किचन बना रहे हैं, आप 5 स्टार घर बना रहे हैं और उसमें अपने किचन को ऐसे रखना चाहते हैं, इन बातों का ध्यान रखिए।
और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि द्वितीया और शुक्रवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज सुबह 8 बजे तक रहेगी, उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। याद दिला दूं कि बीते 27 दिसंबर को पौष का महीना शुरू हुआ था और 25 जनवरी 2024 तक पौष का महीना रहेगा। आप जानते हैं कि हिंदी कैलेंडर में भारतीय महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित हैं। जिस महीने को की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है, उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। पौष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है, इसलिए इस महीनों को पौष के नाम से जाना जाता है। सनातन संवत के अनुसार पौष 10वां महीना है। पौष महीने के दौरान सूर्यदेव धनु संक्रांति करते हैं, इसलिए इस महीने को धनुर्मास भी कहते हैं। धनु संक्रांति से खरमास भी इसे कहते हैं। आपको बता दूं कि सूर्य की धनु संक्रांति 16 दिसंबर को थी, यानी खरमास भी चल रहे हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में खरमास को अच्छा नहीं माना जाता। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार आदि करने की मनाही होती है। आपको यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि पौष महीने के दौरान सूर्य की उपासना का भी बड़ा महत्व है। आदित्य पुराण के अनुसार पौष महीने के प्रत्येक रविवार को तांबे के बर्तन में जल, लाल चंदन और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए तथा ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर संभव हो तो रविवार के दिन सूर्यदेव के निमित्त व्रत भी करना चाहिए और तिल चावल की खिचड़ी का दान करना चाहिए, जबकि व्रत के पारण शाम के समय किसी मीठे भोजन से करना चाहिए। इस व्रत में नमक का सेवन वर्जित है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति तेजस्वी बनता है। बता दूं कि धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, अतः पौष महीने में भले ही शुभ कार्य वर्जित है, लेकिन गुरु की उपासना के लिए आध्यात्मिक कार्यों जैसे हवन, पूजा पाठ या किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करना इस दौरान बड़ा ही शुभ फलदायी है। चंचल मन पर विजय पाने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। तो ये थी चर्चा पौष महीने के बारे में, और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज देर रात 2:28 तक वैधित योग रहेगा। वैधित योग स्थिर कार्यों हेतु ठीक है, परंतु यदि कोई भागदौड़ वाला कार्य अथवा यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। साथ ही आज देर रात 3:10 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुष्य 8वां नक्षत्र है। ये एक शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र के दौरान शुभ कार्य करने से सफलता मिलती है। नए सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। आपको बता दूं कि पुष्य नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में ही आते हैं, अतः पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क है। साथ ही पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना गया है, जबकि वनस्पतियों में इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है उनको पुष्य नक्षत्र के दौरान पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके भौतिक सुख साधनों में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा आज शाम 6:15 पर सूर्यदेव पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 11 जनवरी 2024 की रात 8:08 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में ही गोचर करते रहेंगे और उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रविष्ट हो जाएंगे। सूर्य के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर के प्रभाव से अलसी, गुड़, ऊन, चांदी, खांड, खांडसारी, कपूर और कपड़ा के मूल्यों में तेजी आएगी। साथ ही घी, तेल, अन्न, गेहूं, जौ, चना, बाजरा, तेल और सरसों के मूल्यों में फ्लक्चुएशन होगा। इसके अलावा आज रात 8:52 से शुरू होकर कल की सुबह 9:44 तक पृथ्वी लोक की अशुभ भद्रा रहेगी। बता दूं कि अशुभ भद्रा के दौरान विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया बिजनेस आरंभ, किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा, त्यौहार आदि के समय किए जाने वाले रीति रिवाज आदि नहीं किए करने चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें भद्रा के दौरान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, जैसे किसी पर मुकदमा करने के लिए
शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए, सीमा पर युद्ध के लिए, ऑपरेशन के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य के लिए, किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, दाम्पत्य रिश्ते की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए अशुभ भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है। तो ये थी चर्चा वैधित योग, पुष्य नक्षत्र, पृथ्वीलोक की भद्रा और सूर्य के पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश के बारे में। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की चर्चा। अगर आप अपने जीवन में खुशियों का संचार करना चाहते हैं तो उसके लिए आज आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर सबसे पहले देवी माँ के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। फिर दाहिने हाथ में फूल लेकर देवी माँ के आगे रखें और उन्हीं फूलों के ऊपर एक मिट्टी के दीपक में घी डालकर रुई की बत्ती लगाकर ज्योत जलाइए। साथ ही देवी माँ को लाल चुनरी भी चढ़ाइए। अगर आपके और आपके जीवन साथी के बीच किसी न किसी बात को लेकर हमेशा अनबन होती रहती है तो आज थोड़ा सा दूध लेकर उसमें एक चुटकी शक्कर मिलाकर किसी कुएं में डाल दें। अगर आपको घर के आसपास कहीं कुआं न मिले तो घर के बाहर कच्ची मिट्टी में दूध डाल दें और उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके और आपके जीवन साथी के बीच का रिश्ता पहले से बेहतर होगा और अनबन की स्थिति से बाहर निकलने में आपको मदद मिलेगी। अगर आपकी नई नई जॉब लगी है और आप अपने काम से सीनियर्स को खुश रखना चाहते हैं तो आज आपको किसी मंदिर में 1.25 किलो चावल का दान करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ऑफिस में सीनियर्स आपसे खुश रहें। आज के दिन ऐसा करने से सीनियर्स आपके काम से खुश रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन साथी की खूब तरक्की हो, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाए तो इसके लिए आज आपको स्नान आदि के बाद देवी लक्ष्मी के इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है श्रीं ह्रीं श्रीं। आज आपको इस मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। आज के दिन इस मंत्र का जप करने से आपके जीवन साथी की खूब तरक्की होगी और उनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। अगर मकान या किसी अन्य ज़मीन को लेकर आपका किसी से वाद विवाद चल रहा है, वो आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है तो इस सिलसिले में आगे की बात करने के लिए और अपना पक्ष मजबूत करने के लिए आज के दिन आपको नीले या काले रंग के आसन पर बैठकर या फिर नीले या काले रंग के कपड़े पहनकर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम शं यो देवी रभिष्ट आपो भवंतु पीतये शं योरभि श्रवंतु नः। इसको आप फिर से सुनिए इसे। ओम शंयो देवी रभिष्ट आपो भवंतु पीतये शं योरभि श्रवंतु नः। ओम शंयो देवी रभिष्ट आपो भवंतु पीतये शं योरभि श्रवंतु नः। देखो, हमने बार बार आपको अलग अलग पढ़ के सुनाया। क्यों लोग कहते हैं ओम शन्नो देवी? अब वो शन्नो नाम की कोई देवी नहीं होती। हालांकि हर गांव में, सीतापुर के पास हर गांव एक जगह है, सीतापुर से लखीमपुर जाने लगे बाएं हाथ पे पड़ता है, हर गांव में शुगर मिल है, उसके पास एक शन्नो देवी का मंदिर है। वो मंदिर जब हमने देखा था आज से शायद 90 में गए होंगे, तब वो बड़ा खंडहर जैसी स्थिति में था। एक काले रंग की मूर्ति वहाँ रखी थी। अब तो लोगों ने बड़ा भारी मंदिर वहाँ बना दिया, लेकिन वास्तव में अब जिस देवी को आप शन्नो देवी कहते हैं, वो शन्नो नाम की कोई देवी है क्या? मूल मंत्र है शं यो देवी रभिष्ट आपो भवंतु पीतये। प्रीतये नहीं है, प्रीति नहीं है यहाँ पर, आपो भवंतु पीतये शं योरभि श्रवंतु नः। शं योरभि श्रवंतु नः। ओम शंयो देवी रभिष्ट आपो भवंतु पीतये शं योरभि श्रवंतु नः। ये अथर्वेद की ऋचा है, दुर्गति निवारण की ऋचा है। चातन गण विधान की तरह ये भी बड़ी प्रभावशाली है।
कहते हैं जिनको शनि की प्रॉब्लम हो, शनि के कारण दुर्गति हो गई हो, तो ये शनि का मंत्र नहीं है। लोग इसको शनि का मंत्र समझते हैं, ऐसा नहीं। शनि से के कारण हुई दुर्गति से निवारण का मंत्र है ये। अतः आज के दिन इस विशेष मंत्र का जप करने से आपको मकान या किसी जमीन से संबंधित वाद विवाद में जीत हासिल होगी, आपको लाभ होगा। अगर आप समाज के रक्षक हैं, आप समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं, आप इस समाज को गलत लोगों से और गलत कार्यों से बचाते हैं, और आप कुछ दिनों से प्रशासन की मदद से किसी अवैध कार्य के खिलाफ कदम उठाना चाहते हैं, उस पर छापा मारना चाहते हैं, तो अपने कार्य में सफलता पाने के लिए आज के दिन आपको 1.25 किलो सफ़ेद साबुत खड़ा नमक लेकर साफ बहते पानी में प्रवाहित करना चाहिए। आज के दिन ये उपाय करने से आपको अवैध कार्यों के खिलाफ कदम उठाने में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपके शत्रु आपको हमेशा परेशान करते रहते हैं या दूसरों के बीच आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो रोजाना मंदिर में जाकर सिर झुकाइए और 5 मिनट ध्यान की मुद्रा में बैठें। ऐसा करने से शत्रुता से आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा और वो स्वयं चलकर आपसे माफ़ी मांगने आएगा। मेहनत करने के बाद भी अगर आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो एक जटा वाला नारियल लेकर भगवान शिव के सामने रखकर अपनी परेशानी कहें। इसके बाद उस नारियल के टुकड़े करके अपने घर की खिड़की में रख दें और अगले दिन उन टुकड़ों को बहते पानी में या किसी कुएं में डाल दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यदि आपको व्यापार में पैसों की लगातार नुकसान हो रहा है या व्यापार में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे आप कुछ नया करने की नहीं सोच पा रहे हैं और आपका मनोबल कम होता चला जा रहा है, तो इसके लिए आप कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने पास 2 सफ़ेद फूल रख लें और जब काम हो जाए तो उन्हें बहते पानी में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके व्यापार में धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप जब कभी अपना कोई इम्पोर्टेंट काम करने की सोचते हैं, कोई इम्पोर्टेंट काम है, और सोचते सोचते कुछ और करने बैठ जाते हैं जिससे आपके ध्यान से वो काम ही निकल जाता है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज आपको माँ सरस्वती की उपासना करनी चाहिए और उनके आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। देवी माँ को सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका ध्यान काम से नहीं भटकेगा और आपका इम्पोर्टेंट काम पूरा हो जाएगा। तो ये सारी चर्चा थी आज पढ़ने वाले वैदिक योग, पुष्य नक्षत्र, भद्रा और पौष महीने के बारे में, साथ ही अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं वृंदावन के रंग जी मंदिर के दर्शन। ये मंदिर पवित्र वृंदावन धाम में स्थित है। यह मंदिर वैसे तो पूरी तरह से दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है, परंतु इसमें बने 7 दरवाजों में से 2 द्वार राजस्थानी शैली में बने हुए हैं। मुख्य रूप से ये मंदिर भगवान रंगनाथ जी को समर्पित है। मंदिर में भगवान पद्मनाभ का मंदिर के साथ ही राम दरबार, नरसिंह, वेणुगोपाल और रामानुजाचार्य जी के मंदिर भी स्थापित हैं। मंदिर में एक सोने का खंभा स्थापित है और मंदिर की दीवार के हर कोने पर सोने के कलश बनाए गए हैं। मंदिर के पीछे एक पुरातन कुंड है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब गज को मगरमच्छ ने इस कुंड के किनारे पकड़ा तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से मगर का संहार कर गज को छुड़ाया था। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस प्राचीन मंदिर के दर्शन। और अब बात अवार्ड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 29 दिसंबर को पौष कृष्ण पक्ष की उदया तिथि द्वितीया है। द्वितीया तिथि में बैंगन अथवा कटहरी का सेवन निषिद्ध है। द्वितीया तिथि आज सुबह 8 बजे तक रहेगी, उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 9:44 तक रहेगी। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर यानी नॉर्थ। और अब वक्त है आपके टिप ऑफ द डे का। आज गाय को रोटी खिलाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां
हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।